हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो सवाल के सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर, लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो यहाँ दो x कर देंगे। अब प्रश्न से चलेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल सवाल में कितना दिया हुआ है, 800 होता है, यहाँ लिखेंगे 800 बराबर लंबाई कितना माने हैं यहाँ पे 2x गुना चौड़ाई x। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये दो से कटेगा तो कितना हो जाएगा 400 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ई स्क्वायर इधर आएगा तो 400 में रूट चढ़ जाएगा, बराबर एक्स, इसका वर्गमूल कितना होगा, चलिए लिखते हैं, दो गुना दो गुना दो गुना पाँच रूट चढ़ेगा बराबर एक्स। अब इसमें जोड़ा वाला निकलेगा बाहर, दो गुना ई वाला, दो गुना ई, पाँच बराबर एक्स। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बराबर एक्स, तो इसको सीधा करके लिखेंगे, इसलिए एक्स बराबर 20। तो हम लोग सवाल में क्या माने हैं, चौड़ाई बराबर एक्स, तो एक्स का मान कितना निकल गया 20, तो लिखेंगे यहाँ 20 मीटर, ये पहला आंसर हो गया। अब लंबाई कितना माने हैं, बराबर 2x, तो x के जगह में क्या रखेंगे 2 गुना 20, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।